हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं काटवे, जो कि वर्धा काफ़ी पानी से ख़राब हो चुके हैं, तो उनको काटने जा रहे हैं। हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा लेबर, आप लोग देख सकते हैं कि वो कटाई करने के लिए आ गई है। अभी हम चल रहे हैं खेत में, जो कि इस खेत के तो वर्धा कट गए हैं, पानी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हम लोगों का। तो क्या करें, बोलो, काटना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि उस खेत में काट रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, नहीं चल नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है क्योंकि रिपटने का बहुत डर लग रहा है। और हमारे इस साथ है मोती, ये भी काटवे जा रहे हैं। हाँ भाई, हम भी जा रहे हैं, हम क्या करें यार, और क्या, मजूरी तो करना जरूरी है क्योंकि अभी छोटे छोटे उर्दा हैं और बहुत ज़्यादा घास है, तो दिन तो वैसे ही पारना है। और हमारे पीछे कौन आ रहा है, कुप्पा धर के करण ढुड़ीला ढुड़ीला कुप्पा धर के हम लोगों को पानी पिलाता है दिन भर, काटता नहीं है बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं खेत पर, भी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कितने छोटे छोटे वर्दा हैं और उन्हीं को काटने जाना है, बहुत ज़्यादा घास है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको खेत पर, अभी हम रास्ते में हैं तो टाइम लगेगा क्योंकि रास्ता सही नहीं है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं कि इतने गहरी गहरी नाली हैं जो कि ट्रैक्टर से हो गई हैं, बरसात डेली दिन हो रही है, क्या करें, डेली दिन बरसात हो रही है हमारे यहाँ। हमारे पीछे पीछे बहुत सारे आदमी आ रहे हैं कटाई करने के लिए, आप देख सकते हैं कि दूसरे खेत में आदमी काटने लगे, हम जा रहे हैं अभी काटने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का खेत तो बिल्कुल खाली हो चुका है क्योंकि रास्ता भी सही नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। यहाँ पर लोगों का पुर्दा निकल आए हैं, सोयाबीन भी खड़ा हुआ है, क्या करें, पानी ने तो सब बेकार कर दिया है। ये लोगों के उर्दा पन्नी के अंदर ढांक कर रख दिए हैं क्योंकि बरसात से खराब ना हो। अभी आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैंने देखा था कि बेरी में बेर भर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये बेरी है, अभी तो बेरी फर बेर फरने का सीज़न है नहीं, तो मैंने उस बेरी में देखा था तो अरे मैं बेर फरे थे, अच्छे बढ़िया लग रहे थे, पके भी गए थे, अभी ताजे ताजे बेर हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि बिना बादल बरसात हो रही है ऐसे ही बेर भी फर रहे हैं क्योंकि बेरी फूल रही है ज़्यादा और बेर पक गए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल ताजे बेर हैं क्योंकि अभी मौसम तो चलता नहीं है बेर का फरने का, वो चलता है गर्मियों में फरते हैं, तो अभी टाइम तो है नहीं बेर फरने का। तो हमने दो तीन बेर ऐसे देखे थे कि जो कि काफ़ी ताजे हैं और अभी समय के पहले भी फर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, कचरियाँ भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कि, लेकिन इतनी बारिश के कारण पकी नहीं है कचरियाँ। देखिए एक कचरी बहुत ज़्यादा फर चुकी है लेकिन पकी नहीं है क्योंकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि मेरे यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खाली खेत खलिहान हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कचरियाँ लगी हैं। मैं बोल लिया हूँ, एक दो कचरियाँ हैं हाथ में लेकिन वो ख़राब हैं, करें लगती हैं, कच्ची खाओगे तो करें लगती हैं। थोड़ी सी छाया ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, धूप निकल आई, याद तो धूप कल भी निकली थी बहुत ज़्यादा तेज घाम चक्कर से आ रही थी, वहाँ पर जाना है हम लोगों को काटने के लिए, उस बेरी में बेर फर चुके हैं। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं क्योंकि मैं टोपी लगा कर आया हूँ दोस्तों, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, वाह, एक ट्रेंडिंग में डायलॉग चल रहा है, चश्मा लगाओ ना साहब, अभी मेरे पास है नहीं तो अब खेत पर घिटने आया हूँ। राम दिया ला गए,
आज कैसे कटाई करो? कर लेने पास्ट पार था अच्छी बीड़ी पी ली जो ये कहीं दार है सुबह का भग जाए तो मुत लग जाती अच्छा तो मैं तो चले जाए चलो ठीक है एक हट्टी बीड़ी पी लो फिर काटने के लिए आज का ब्लॉग इतना ही मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।